Hello everyone, welcome to the my channel which is Learning Institute, and today I am going to discuss the Compton effect. और हम expression आज हम find करेंगे wavelength के लिए जो Compton wavelength में आता है, Compton shift में. तो चलिए start करते हैं. तो जो पिछले video में हमने जहाँ से छोड़ा था वहीं से हम start करेंगे. तो थोड़ा सा हम उसका backup लेंगे जहाँ से वो ख़त्म हुआ था फटाफट, उसके बाद हम आगे चलते हैं. तो जो पिछली वीडियो में हुआ था वो ये था कि हमने इलेक्ट्रॉन लिया था और इंसिडेंट कराया था फोटोन को एच न्यू. उसके बाद फोटोन स्कैटर्ड किया था एच न्यू डैश से और इलेक्ट्रॉन रिकॉइल कर गया था उसको. हमने माना था कि ये फाई एंगल से रिकॉइल किया था और जो स्कैटर्ड फोटोन था वो थीटा एंगल से स्कैटर्ड किया था. तो इसका हम फिर दो कंपोनेंट लिए थे वाई डैश और यहाँ पे वाई. तो इसका अगर हम मोमेंटम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एच न्यू डैश बाई सी. और ये हो जाएगा, अगर ये भी वेलोसिटी से रिकॉइल किया है तो इसका मोमेंटम हो जाएगा एम वी. ठीक है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा मोमेंटम का एम वी कॉस फाई और एच न्यू डैश का मोमेंटम हो जाएगा एच न्यू डैश बाई सी कॉस थीटा. ठीक है, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा एच न्यू डैश बाई सी साइन थीटा. ठीक है, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा एम बी साइन फाई. ठीक है, ये फाई है तो यहाँ पे फाई है, यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा है और यहाँ पे थीटा है. तो ये थीटा और फाई का अंतर समझिएगा, ये थीटा है और ये फाई है. ठीक है, तो हमने दो इक्वेशन लिखा था, एक सो फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस. तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो जाएगा और इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, एच न्यू डैश एच न्यू बाई सी. सो बिफोर कोलिजन हो जाएगा एच न्यू बाई सी और इक्वल टू एच न्यू डैश बाई सी कॉस थीटा प्लस एम वी कॉस फाई. ठीक है, ये हमारा पहला इक्वेशन था. और दूसरा इक्वेशन आया था अलॉन्ग वाई एक्सिस से. तो चूंकि यहाँ बिफोर कोलिजन कोई मोशन नहीं है तो ये हो जाएगा ज़ीरो. तो हमने अच्छे से इसको पहले वाले वीडियो में इसके समझाया है, तो पहले वहाँ पे आप देख लीजिए ये तीनों इक्वेशन कैसे कैसे लिखा गया है. यहाँ हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि ये हो चुका है पहले से. तो ये हो जाएगा एच न्यू डैश वाई एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंटम क्या है, एच न्यू डैश अपॉन सी साइन थीटा और ये नीचे है इसलिए एम वी साइन फाई निगेटिव डायरेक्शन में. यहाँ से हमें मिलेगा इक्वेशन टू. तो एनर्जी वाला एक्सप्रेशन हम बाद में लेते हैं, पहले इन दोनों से कुछ निकाल लेते हैं. तो इसको अगर हम इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो इक्वेशन वन को हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन वन को लिख सकते हैं एच न्यू डैश बाई सी. यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस और ये इक्वल टू में ऐसे लिख लेंगे. तो ये हो जाएगा, हम यहीं से बना लेते हैं इसको, यहाँ पे हो जाएगा माइनस और यहाँ पे आ जाएगा इक्वल. ठीक है, इक्वेशन वन से हम ऐसा कर सकते हैं एच न्यू डैश बाई सी एच न्यू बाई सी दिस और यहाँ पे हमें मिलेगा सिंपली यहाँ पे इक्वल हो जाएगा. ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन थ्री, या अगर हम थ्री उसमें इनर्जी वाले को माने हैं तो यहाँ पर फोर मान के चलिए. तो ये हो गया फोर और ये हो जाएगा फाइव. ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग एडिंग इक्वेशन फोर एंड फाइव वी गेट. तो करिए, तो ये हो जाएगा एच न्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका एक टर्म और आएगा माइनस टू एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश अपॉन सी स्क्वायर कॉस थीटा, और प्लस ये, ठीक है, प्लस इसका स्क्वायर, सो एच स्क्वायर न्यू डैश का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इधर का जब हम स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव ये वन हो जाएगा, और यहाँ से हमें मिलेगा सिंपली एम स्क्वायर और वी स्क्वायर, ठीक है, एम स्क्वायर और वी स्क्वायर, क्लियर, कॉमन हो जाएगा, और ये कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव सिंपली वन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ मिल रहा है, ये यहाँ पे डैश था, सो ये टर्म और ये टर्म मिलके वन हो जाएगा, अगर इसको हम कॉमन कर लें तो ये दोनों मिलके वन हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस टू एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश अपॉन सी स्क्वायर, और ये हो गया कॉस थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर, क्लियर। तो ये और ये दोनों टर्म मिलके, ये टर्म और ये टर्म मिलके ये हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ से हमें मिल गया क्वेश्चन सिक्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिंपल कैलकुलेशन है सिर्फ, यहाँ पे कोई फिजिक्स नहीं है, पूरी तरह से ये मैथमेटिक्स है। तो इसको हम रख लेते हैं क्वेश्चन सिक्स को, और जो एनर्जी वाला एक्सप्रेशन था थोड़ा उसे हम रिमाइंड कर लें। तो फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वी कैन राइट, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ये पहले जो एनर्जी थी वो क्या थी, एच न्यू इक्वल एच न्यू डैश आफ्टर कोलिजन, और उधर क्या था काइनेटिक एनर्जी ई के, जो इलेक्ट्रॉन था उसकी काइनेटिक एनर्जी ई के, या फिर हम इसको इस फॉर्म में लिखे थे एच न्यू डैश प्लस एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट स्क्वायर, ये पूरा ई के की वैल्यू है, ये पूरा ई के की वैल्यू है, ठीक है, ये ई के। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस रेस्ट मास एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा इसको चेंज किए थे, एच न्यू डैश प्लस एम को लिख सकते हैं एम नॉट अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा सी स्क्वायर, फिर यहाँ से एम नॉट सी स्क्वायर हम कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम एम नॉट सी स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो यहाँ सिंपली क्या हो जाएगा, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस वन, और इधर क्या है, यहाँ पे है हमारा एच न्यू, ठीक है, इसको हम इसी में बना लेते हैं यहीं पे, ये हो जाएगा सिंपली वन अपॉन दिस वन माइनस वन, और यहाँ कॉमन हो जाएगा एम नॉट सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हम चाहते तो इस टर्म में भी वही टर्म बना सकते थे, तो ये हो जाता सिंपली एम नॉट स्क्वायर इसी से अपॉन वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, यहाँ से भी हम कर सकते थे, खैर हम इसको बाद में भी बना लेंगे, ठीक है, इसको हम वही रहने देते हैं फिलहाल एम स्क्वायर और वी स्क्वायर, ठीक है, एम स्क्वायर और वी स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए हम थोड़ा इसको हटाएंगे, इसका कोई काम नहीं बचा है, तो ये हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू डैश प्लस
इसको अगर हम इस साइड लेके आएंगे, जैसे ये इधर आया तो माइनस हो गया, और ये नॉट सी स्क्वायर को अगर हम इस तरफ लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, और उधर हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको c से डिवाइड करें, ओवरऑल ये कैलकुलेशन का तरीका है, तो c से अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, तो ऑन डिवाइडिंग यहीं पे हम बना ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम c से डिवाइड कर रहे हैं, c से डिवाइड करेंगे तो यहाँ सिंपल सी हो जाएगा, यहाँ भी सिंपल सी हो जाएगा, तो ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाई सी। ठीक है, अब यहाँ से हम इनके दोनों साइड का स्क्वायर करके स्क्वायर करेंगे दोनों साइड का, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेवन। सो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, तो ये ए प्लस बी प्लस सी है, एक तरह से तीन टर्म यहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो माइनस दिस वन टू एच स्क्वायर न्यू डैश अपॉन सी स्क्वायर, बी सी करेंगे तो फिर से माइनस आएगा, सो माइनस टू एच न्यू डैश एम नॉट, क्लियर, ए बी बी सी हो गया और फिर देन सी ए, ये हो जाएगा प्लस एच न्यू एम नॉट, क्लियर, सी सी कैंसिल हो रहा है और इक्वल हो गया एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन वन माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ना क्लियर होगा। ठीक है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी माइनस टू सी ए, एक तरह से, या प्लस टू ए बी टू बी सी टू सी ए, इस तरीके से हमने सिंपल सा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाया है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। यहाँ पे जो प्लस माइनस है वो इसकी वजह से है, माइनस जो आया है। ठीक है, तो हम तो यहाँ से हम कुछ कॉमन कर सकते हैं, जैसे टू एच एम नॉट यहाँ पे कॉमन है। ठीक है, तो टू एच एम नॉट जब हम कॉमन करेंगे, चाहे तो यहाँ प्लस कर लेंगे या माइनस ही रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा न्यू डैश माइनस न्यू। ठीक है, सो टू एच एम नॉट न्यू डैश माइनस न्यू। ठीक है, और ये हो गया एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। अब जो हमारा इक्वेशन सिक्स था उसको अगर हम देखेंगे तो कुछ मिलता जुलता है यहाँ से, अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करें तो ये दो टर्म यहाँ से कट सकता है, क्लियर। तो करते हैं, ये हो गया इक्वेशन सेवन। सो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सिक्स बाई सेवन वी गेट, अगर हम इसमें से इसको माइनस करते हैं तो ये टर्म गायब हो जाएगा, बचेगा क्या, एम नॉट सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर होगा, सो एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, ये दोनों टर्म सेम है। ठीक है,
ये और ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। सो माइनस टू एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश सी स्क्वायर वन प्लस माइनस टू ए भी, और यहाँ पे भी माइनस ही है। सो लेट मी चेक, सो ये हो जाएगा वन माइनस कॉस थीटा, क्योंकि हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसमें से इसको, और यहाँ साइन सेम है और माइनस कॉमन लेंगे तो ये वन माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे ये दोनों प्लस था तो यहाँ प्लस होगा, सो ये हो जाएगा टू एच एम नॉट न्यू डैश माइनस न्यू इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन वन माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, और माइनस करेंगे ये वाला एम स्क्वायर वी स्क्वायर, और एम स्क्वायर को लिख सकते हैं एम नॉट का स्क्वायर अपॉन वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और यहाँ ऊपर क्या है वी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका काम ख़त्म हो गया। तो यहाँ से हमें मिलेगा, ये सारी चीज़ें सेम ही होंगी, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एम नॉट स्क्वायर, यहाँ कॉमन हो जाएगा, या अपॉन में कुछ और भी हो जाएगा, वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो यहाँ क्या मिलेगा, सिंपली सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ अगर सी स्क्वायर हम एलसीएम लेते हैं तो ये सी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, और ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और वो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली हमें यहाँ से क्या मिलने वाला है, एम नॉट स्क्वायर और सी स्क्वायर। क्लियर, तो ये इधर सारी चीज़ें वही हैं, इसके इक्वल में सारा हम यही लिखेंगे, और इक्वल में हमें मिल रहा है एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला एम नॉट स्क्वायर और सी स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा ज़ीरो। तो फाइनली हमें क्या मिला यहाँ पे, और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमें मिला दिस टर्म इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको जल्दी से कॉपी करिए, उसके बाद हम यहीं से ज़ीरो करेंगे। तो यहाँ से हम डायरेक्ट कर सकते हैं, फिर यही चीज़ हमारा ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू ज़ीरो, चूँकि ये कैंसिल हो चुका है, हम डायरेक्ट यहाँ पे आ गए। अब इसको थोड़ा सा अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2h यहाँ से कॉमन हो जाएगा 2h। ठीक है, और m नॉट को भी हम इधर कॉमन कर सकते हैं, फिलहाल 2h को करते हैं, या सिंपली पहले लिख लेते हैं 2h m नॉट न्यू डैश माइनस न्यू इक्वल टू 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश अपॉन c स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, तो 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश, पूरा चीज़ हम माइनस है तो इधर लेके आ गए, प्लस हो गया। अब हम क्या करेंगे, न्यू डैश माइनस न्यू को छोड़ के बाकी सबको इधर डिवाइड कर देते हैं। तो 2h से इधर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एक h बचेगा, यहाँ पे न्यू न्यू डैश को हम इधर ले आते हैं न्यू न्यू डैश, और अपॉन में हो जाएगा 2h स्क्वायर से 2h से एक h बचेगा, और अपॉन में c स्क्वायर, और एक और m नॉट भी नीचे आएगा। तो ये हो जाएगा सिंपली एम नॉट सी स्क्वायर वन माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये एम नॉट यहाँ पे एच से 2h से 2h कट जाएगा, एक एच बचेगा, न्यू न्यू डैश हमारा नीचे है। अब न्यू डैश को हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं न्यू डैश होता है c बाई लेमडा डैश, और न्यू हो जाएगा सिंपली c बाई लेमडा। तो पुट करिए यहाँ पे, ये हो जाएगा c बाई लेमडा डैश, ये c बाई लेमडा, और नीचे हो गया c बाई लेमडा डैश इंटू c बाई, या हम इसको पहले ऐसे कर लेते हैं। इसमें अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये सिंपली हो जाएगा 1 माइनस न्यू, और ये 1 अपॉन न्यू डैश इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट c का स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा। वन माइनस कॉस थीटा,
तो 1 by new को हम क्या लिखेंगे, 1 by new एज हो जाएगा हमारा क्या, lambda by c, तरह से lambda by c माइनस न्यू माइनस, लेट मी चेक, न्यू माइनस न्यू डैश सो दिस इज अ न्यू न्यू माइनस लैम्डा सो 1/lambda माइनस ठीक है सी बाय न्यू सो 1 by new माइनस 1 by new डैश 1 by new वन बाय न्यू को हम क्या लिखेंगे, लैम्डा माइनस लैम्डा डैश कहीं से कुछ मिस हो रहा है, ये यहीं से मिस्टेक है, यहाँ पे न्यू माइनस न्यू डैश होगा या यहाँ पे साइन चेंज होगा, तो ये थोड़ा करेक्ट कर लेंगे वहीं से, इसीलिए वो उल्टा आ रहा था, यहाँ पे ये डैश हो जाएगा, सो यहाँ पे डैश और यहाँ पे होगा, तो सिंपली यहीं पे चेंज करना था, यहाँ माइनस प्लस लेने में थोड़ा रिवर्स हो गया था, तो यहाँ से हमें मिलेगा लैम्डा डैश और यहाँ हो जाएगा लैम्डा अपॉन सी एच अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ से अगर हम सी कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा लैम्डा डैश माइनस लैम्डा एच अपॉन, और उस सी से ये सी कैंसिल हो जाएगा, एक सी बच जाएगा, सो ये मिल गया हमें एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये हो गया, इसी को हम लैम्डा माइनस लैम्डा डैश माइनस लैम्डा को हम डिनोट कर लेते हैं डेल्टा लैम्डा से, और यही हमें देता है चेंज इन वेवलेंथ, चेंज इन वेवलेंथ, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन है, डेल्टा लैम्डा इक्वल एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है ऐसा, या इसी को हम एक और टर्म में लिखते हैं, जैसे इस पार्ट को कॉम्पटन ने निकाला था 90 डिग्री के लिए, तो अगर हम इसी चीज़ को थीटा 90 डिग्री अगर रखेंगे, थीटा इक्वल 90 डिग्री, तो हमें क्या मिलेगा, डेल्टा लैम्डा इक्वल टू कॉस 90 जीरो होता है, ये सिंपली हो जाएगा एच अपॉन एम नॉट सी, इतना आएगा, और इसी वैल्यू को हम बोलते हैं कॉम्पटन शिफ्ट, कॉम्पटन शिफ्ट, और इसे डिनोट करते हैं लैम्डा सी से, सो ये एक कंक्लूजन कॉम्पटन ने निकाल रखा था लैम्डा सी, सो लैम्डा सी और इसकी वैल्यू आती है कुछ 0.0243 एंगस्ट्रॉम, क्लियर। सो जो चेंज इन वेवलेंथ आता है 90 डिग्री पे, वो आता है 0.0243 एंगस्ट्रॉम, यहाँ से भी हम वही चीज़ निकाल सकते हैं, तो ये फार्मूला एक दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस तरीके से, डेल्टा लैम्डा इक्वल टू लैम्डा सी और 1 माइनस कॉस थीटा, इस तरीके से, तो इस फॉर्म में भी इसको लिखते हैं, और यहाँ से क्लियर है कि थीटा पे ये केवल डिपेंड कर रहा है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, एच भी कॉन्स्टेंट है, एम नॉट भी कॉन्स्टेंट है, सी भी कॉन्स्टेंट है, तो जो चेंज आ रहा है वो केवल स्कैटरिंग एंगल पर डिपेंड कर रहा है, जो हमने थीटा दिखाया था अपने फिगर में, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इंसिडेंट था और जो फोटॉन, तो हमने स्कैटर फोटॉन के लिए थीटा दिखाया था, तो वो केवल स्कैटरिंग एंगल, इसी को स्कैटरिंग एंगल बोलते हैं, तो केवल इसी पे डिपेंड करता है और किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, न तो इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी, न तो स्कैटर्ड फोटॉन की एनर्जी, किसी पे डिपेंड नहीं करता है, केवल एंगल पे डिपेंड करता है किस एंगल पे वो स्कैटर्ड हुआ। तो यहाँ से फिर हम निकाल लेते हैं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे, तो हमें डिफरेंट